you all. Mr. Ashraf here. I hope you all have watched my previous videos. This is video number 6. Today's our work is very interesting and simple. Exercise B, page number 4 in your books. Exercise B, page number 4 in your books. Now, the question is, find 15 words beginning with SH and then read them, paying special attention to the pronunciation. Now, ये बहुत इजी है, आपको वो वर्ड्स लिखने हैं, 16 वर्ड्स, मतलब 15 लिखने हैं, नंबर 1 पहले से दिया हुआ है, 15 वर्ड्स लिखने हैं, जो S, H से शुरू होते हैं, जैसे S, H, shell, इसी तरह आपके चैप्टर में था, shivered, इसी तरह आपको दो वर्ड्स मैंने बता दिए, आपको S, H के वर्ड्स चैप्टर में से ढूंढ लो. Well and good, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर चैप्टर में कम वर्ड्स हैं तो यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम द डिक्शनरी या आपके अपने माइंड में जो भी प्रीवियस आपकी नॉलेज है उसके हिसाब से जो वर्ड्स होते हैं वो आप लिख सकते हैं. इसके मार्क्स होंगे, पॉइंट्स होंगे, जो मैं वीडियो के साथ सेंड करूंगी. अगर आपने कोर्स अभी तक नहीं लिया तो आप किसी भी कॉपी पर, और कॉपी नहीं है आपके पास, न्यू कॉपी नहीं है, तो आप किसी भी पुरानी कॉपी पर इसका पोर्शन बना लीजिए और उसमें ये वर्ड्स लिखकर और प्रीवियस जितना भी सारा काम है वो लिखकर आप मुझे सेंड कर सकते हैं व्हाट्सएप पर. और आपकी डेडलाइन क्या है आपको याद है ना? संडे. संडे तक आपको ये काम मुझे. अब इसके बाद एक्सरसाइज सी है, रीड द फॉलोइंग वर्ड्स पेइंग स्पेशल अटेंशन टू द वर्ड्स एम साउंड. नाउ सी, सारे वर्ड्स जो है उनमें एम या तो शुरू में या बीच में या एंड में यूज हो रहा है. आपको ये वर्ड्स पढ़ने हैं, बार बार रिपीट करने हैं ताकि आपका प्रोनाउंसिएशन जो है वो इम्प्रूव हो. मैं एक बार आपके लिए वर्ड्स पढ़ लेती हूँ, ये ओरल एक्सरसाइज है और इसको पढ़ने में बहुत मजा आएगा. मैन, मे, मिल्क, माउथ, माय, मस्ट, मोर, मी, मनी, मदर, कम, आर्म, सेम, स्विम, अमंग, ऑलमोस्ट, कॉमन, साइमन, आर्मी, फैमिली. नाउ सी, सब में एम जरूर आया है और आपको ये एक्सरसाइज पढ़नी है और नीचे दिए हुए सेंटेंसेस हैं,